नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदोस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। बात करते हैं अरशद मदनी के उस बयान को लेकर। अरशद मदनी जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख हैं, दारुल उलूम जहां जिसके वो इंचार्ज भी हैं एक तरह से, और एक बड़ा इदारा है मुसलमानों का, और अरशद मदनी की दुनिया भर में एक पहचान है। अरशद मदनी ने कल एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा है, अरशद मदनी साहब ने, कि भाई जो गैर मुस्लिम है वो अपनी बच्चियों की शिक्षा सह शिक्षा अलग से कराई जाए, ताकि जो जिस तरह के मामले हमारे सामने बार बार पेश आ रहे हैं, जो कुछ उग्रवादी संगठन लव जिहाद के नाम पे मुसलमानों की कहीं भी मोब लिंचिंग कर देते हैं, उसको पीट देते हैं, और फिर उसके बाद एक अलग तरह का नैरेटिव समाज में डालने की कोशिश करते हैं, तो वो सारी चीज़ें। अब इस बात का क्या मतलब है वो हमें बताएंगे हमारे साथ अब्दुल रहीम कासमी साहब हैं, जो खुद दारुल उलूम से पढ़े हुए हैं, अरशद मदनी साहब को अच्छी तरह से जानते हैं, तो इस बात का मतलब हम इनसे जानते हैं कि उन्होंने ये बात क्यों कही है। जी सर बताएँ। शुक्रिया आपका जनाब कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैं आपको बताऊं कि मौलाना के ख्याल हैं, और जाहिर सी बात है मौलाना के ख्याल आपको एक गलत नज़र से देखना यह गलत बात है। मौलाना मदनी साहब तहजीब की नुमाइंदगी करते हैं और तहजीब के साथ चलते हैं। उनका इस बयान का मतलब ये है कि हिंदुस्तान से यानी भारत से वफादारी, वो किस तरह कि अमन ख़त्म ना हो हमारे भारत के अंदर से, हमारे देश के अंदर से। उन्होंने जो रिक्वेस्ट की है वो सिर्फ इतनी की है कि हमारे गैर मुस्लिम भाई अपनी बच्चियों को उन कॉलेजों में पढ़ाए जहां लड़के ना पढ़ते हो। इसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है। फिर दूसरी बात ये कही उन्होंने, अगर कॉलेज कम है तो उसे बढ़ाया जाए, तो इसमें भी जाहिर सी बात है कोई गलत नहीं है। इसमें तो हिंदुस्तान का नारा है लेडीज़ फर्स्ट, भारत का नारा है, तो हमें बढ़ चढ़ कर उनकी तारीफ करनी चाहिए थी। और इससे फ़ायदा क्या है? देखो रोज़ जो है हिंदुस्तान के अंदर कभी लो जिहाद का मामला, कभी मोब लिंचिंग की घटनाएं, ये सब कहाँ हो रही है? जाहिर सी बात है कि जब इंसान कॉलेज में पढ़ता है, बच्चे होते हैं, बहक जाते हैं, फिर वो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जब साबित होता है, अगर अदर कास्ट के हो, अदर मज़हब के हो, कास्ट भी बर्दाश्त कर लेता है इंसान, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान अपने बच्चों से प्यार करता है। लेकिन दो समाज आमने सामने जब होते हैं, जब दोनों अलग अलग मज़हब के हों, कास्ट तो चल ही जाता है, लेकिन मज़हब के आने के बाद माहौल ख़राब होता है, उस इलाके की पूरी फिज़ा ख़राब होती है, भारत की फिज़ा ख़राब होती है। इस हालात को देखते हुए मौलाना ने ये बयान दिया, तो इसमें कोई गलत नहीं। वो तो शिक्षा को देने में सबसे आगे रहते हैं, कोई हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको स्कॉलरशिप उनकी तंजीम की तरफ से मिलती है, उनकी हर जानब देते हैं। वो केरला में देख लीजिए बच्चों को देते हैं, अब तो हमारी यूपी में भी दे रहे हैं, गाजियाबाद में। लेकिन गोदी मीडिया कह रहा है वो एजुकेशन से कि भाई साथ नहीं पढ़ेंगे तो एजुकेशन बढ़े नहीं मिल पाएगी। क्या साथ पढ़ने से एजुकेशन अच्छी मिलती है या अलग से? वैसे सरकार ने भी गर्ल्स कॉलेज इसीलिए बनाए हैं कि गर्ल्स की सिक्योरिटी, अगर उन्हें लगता है कि वो थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं बॉयज़ के साथ पढ़ने में, तो गर्ल्स कॉलेज इसीलिए बनाए गए हैं। फिर गोदी मीडिया क्यों चिल्ला रहा है? गोदी मीडिया का चिल्लाना सिर्फ यह, एक मुद्दा मिल गया है यानी एक हड्डी मिल गई है। जिस तरह कुत्ते को हड्डी मिल जाती है ना कि वो थोड़ी देर उसे चापता रहता है, इस तरह मिल गई है मौलाना के ऊपर उछालने के लिए। मदनी साहब ने कोई गलत नहीं कहा है, मदनी साहब ने लड़कियों के हक में बयान दिया है उनकी सहूलियत के लिए, ताकि वो अपने आप के अंदर कमी महसूस ना करे, यानी खुल के जिए खुल के रहें, ये बयान दिया है मौलाना ने। मौलाना ने कब कहा कि हम नहीं पढ़ाना चाहते? वो तो खुद इसके हक में, उनकी बहन का देवबंद में सामने ठीक दारुल के सामने लड़कियों का मदरसा है, लड़कियों के लिए अलग कॉलेज है। फिर तो ये जो इतने कॉलेज है मुजफ्फरनगर के अंदर, नवाब अजमत खां लड़कियों का गर्ल्स कॉलेज है, देवबंद के अंदर गर्ल्स कॉलेज है, नवाज गर्ल्स कॉलेज है, दिल्ली के अंदर है, सबको बंद कर दिया जाए। जामिया के अंदर, JNU के अंदर बार बार कॉलेज सिर्फ लड़कियों के होते हैं, अलीगढ़ के अंदर होते हैं, तो फिर इन सबको बंद कर दिए जाए। वजह यह है कि सिर्फ एक वो चेहरा सामने आने की वजह से गोदी मीडिया को मुद्दा बन गया। ऐसा मामला नहीं, मौलाना यानी मदनी साहब तो कभी हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं लाते, वो तो हमेशा इस चीज़ के मुर्शिद यानी सलाहकार रहे अमन कायम के। लेकिन हम लोग इस चीज़ को गलत ले जा रहे हैं, और ख़ास तौर से गोदी मीडिया ले जा रही है। मौलाना कुर्बानी क्या देते हैं तालीम के ऊपर देखना चाहिए। मौलाना कोई भी हो, यानी गर्ल्स हो, लड़का हो, कोई भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको तो स्कॉलरशिप देती हैं। कौन सी तंजीमें? उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, परवीन तुगड़िया को देखिए उंगली उठा रहे हैं, खेले इस तरह मामला है कि बताएं कि हम वो मुस्लिमों को कहाँ स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और मौलाना के हम बता रहे हैं केरला में हिंदू मुस्लिम सबको मौलाना ने मकान दिए, दिल्ली के अंदर दिए, मुजफ्फरनगर फसाद में दिए, बल्कि कब फसाद हुआ था, अब तक दे रहे हैं, 13 में फसाद हुआ, 21 तक मकान दे रहे हैं, ना किसी को हिंदी देख रहे हैं, ना किसी को मुस्लिम देख रहे हैं, सबके तालीम का निज़ाम बनवा रहे हैं, और सिर्फ माहौल ख़राब ना हो, हिंदुस्तान की फिजा सही हो, इसी वजह से मौलाना ने बयान दिया। अब इस मौलाना के बयान को कि भाई तालिबान निज़ाम आ जाएगा, यह गलत बात है।
पहली बात तो तालिबान का मुद्दा ही हिंदुस्तान के अंदर से ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वह सरकार की मंशा है और बुद्धिजीवों का क्या मामला रहता है, हिंदुस्तान के एक्सपर्ट क्या कहते हैं उनका मामला है, उठा के मौलाना पर थोप देना या गोदी मीडिया मीडिया के उसमें बैठकर न्यूज़ एंकर क्या बोल सकते हैं, या वो कौन, वह जज थोड़ा ही, वो गवर्नमेंट थोड़ा ही, लेकिन लोगों के अंदर एक एंटी मुस्लिम माहौल पैदा करना है कि देवबंद के अंदर से ये बू आ रही है। हकीकत यह है कि उन लोगों के ऊपर मानहानि का मुकदमा कायम होना चाहिए, उन लोगों पर बड़े बड़े दफात में मुकदमा कायम होना चाहिए, ताकि हमारे भारत की फिजा खराब ना हो, हवा के अंदर एक पुरगोश माहौल रहे, हर तरीके से अमन सलामती रहे। मौलाना ने हमेशा लड़कियों की हिमायत की है और पढ़ाई के लिए काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था मौलाना के बयान का मतलब कि दो परिवार में किसी तरह की आपसी कोई झगड़ा ना हो, मतभेद पैदा ना हो, क्योंकि जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो जाहिर सी बात है साथ उठते हैं बैठते हैं, हम लोग भी पढ़े हैं साथ उठते बैठते हैं, लेकिन आज के टाइम पर उस चीज़ को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैं आपको ऐसे हज़ारी घटनाएं बता चुका हूं, हज़ारों ऐसी खबर कर चुका हूं, जिसमें अगर मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के साथ कहीं बैठा हुआ भी मिल गया, इवन बस में अगर साथ में भी सफ़र कर रहे हैं, कर्नाटक की खबर हो, उत्तर प्रदेश की खबर हो, मध्य प्रदेश की खबर हो, ये बार बार आपके सामने मैंने रखी है, उनको पीटा जाता है, पता चलता है वो साथ में पढ़ने वाले लोग हैं, साथ पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि उसके चलते वो लोग नफरत फैला रहे हैं और फिर परिवारों में भी झगड़ा करा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए बेहतर यह है कि आप लोग बच्चियों को गर्ल्स कॉलेज में भेजें, अगर नहीं है तो रिक्वेस्ट किए कि थोड़ा और तादाद बढ़ाई जाए, ताकि ये जो द्वेष फैल रहा है ये कम से कम खत्म हो और आपसी भाईचारा बना रहे। लेकिन गोदी मीडिया का कह रहा है कि वो तो शिक्षा के खिलाफ है, जबकि आप लोग दारुल उलूम जाके देखिए, उनके अलग से स्कूल कॉलेज चल रहे हैं जहाँ पर लड़कियाँ पढ़ती हैं, तमाम गर्ल्स कॉलेज चल रहे हैं जहाँ पर लड़कियाँ अलग से पढ़ती हैं, लेकिन इस बयान को सिर्फ इसलिए पेश किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने तालिबान कनेक्शन दिखाना है, कहीं ना कहीं तालिबान के नाम पर उनकी टीआरपी मिल रही है। दूसरी तरफ भारत के और तालिबान की मीटिंग हो ही चुकी है, ये पूरा मामला था। मौलाना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें समझाया। आप लोगों का जो कुछ कहना नीचे कमेंट कीजिए और इस खबर को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।